नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी की डाइट, क्या खाएं क्या ना खाएं में। दोस्तों, क्या आप अक्सर सर्दी, जुखाम या बुखार के शिकार हो जाते हैं, या आपको इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, या आप भी मौसम बदलने के साथ साथ बीमार पड़ते जाते हैं? तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण होता है आपका कमज़ोर इम्यून सिस्टम, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर होना। और इस रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम होने का सबसे बड़ा कारण होता है आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी का। तो दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ अचूक खाद्य पदार्थों प्लस योगा और प्लस कुछ ज़रूरी बातों को, जिनको फॉलो करके आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्य पदार्थों के बारे में। पहला आता है दोस्तों, जो सबसे पहला खाद्य पदार्थ है वो है आंवला। दोस्तों, विटामिन सी को इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है, और ये विटामिन सी आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आंवले का सेवन आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, जैसे कि अचार, मुरब्बा, जूस के रूप में, या इसे आप शहद के साथ भी ले सकते हैं। अगली आती है दोस्तों हल्दी। हल्दी एक सर्वगुण संपन्न एंटीबायोटिक्स है। हल्दी में लाइपोपॉलीसैचेराइड पाया जाता है। ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल होता है, और ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना तक बढ़ा देता है। हल्दी में कैरोक्यूमिन भी पाया जाता है, जो आपको कैंसर से बचाता है। दोस्तों, हल्दी को आप रोज़ दालों सब्जियों में तो डालकर खाते ही हैं, लेकिन अगर रात के समय दूध में 1/4 चम्मच डालकर पियेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों गिलोय। गिलोय दोस्तों ऐसा मतलब रामबाण इलाज है, ऐसी रामबाण दवा है जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत मददगार होती है। गिलोय से मोटापा, शुगर, सर्दी, जुकाम तथा कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी कंट्रोल रहती हैं तथा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती जाती है। अब अगला आता है दोस्तों कीवी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आहार में कीवी भी शामिल है। इसमें विटामिन सी, कैरोटीनॉइड, पॉलीफेनोल्स और डाइट्री फाइबर पाए जाते हैं, जो इम्यून बूस्टर का काम करते हैं। अगला आता है नींबू और संतरा। इनमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर पाई जाती है, और ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगला आता है दोस्तों सेब। सेब भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, इसलिए कहा गया है कि एन एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे। अब आता है लहसुन, यानी कि गार्लिक। दोस्तों, लहसुन में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाले तत्व कूट कूट कर भरे होते हैं। लहसुन में सल्फरस कंपाउंड एलिसिन पाया जाता है, और यह एक इम्यून बूस्टिंग कंपाउंड है। यह बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों को कम करता है तथा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगला आता है दोस्तों अदरक। अदरक भी एंटीबैक्टीरियल खाद्य पदार्थ है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स जिंजरोल पाया जाता है, जो कि शरीर में रोग पैदा करने वाले इन्फ्लामेशन का नाश करता है। और अदरक को आप गुड़ के साथ पकाकर या शहद के साथ ले सकते हैं। उससे अगला आता है दोस्तों बादाम। बादाम में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बादाम में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। उससे अगला आता है च्यवनप्राश।
एक च्यवनप्राश में आंवला, अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय समेत कुल 40 जड़ी बूटियां डाली जाती हैं, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। अगली आती है दोस्तों पालक। पालक एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पालक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ एनीमिया यानी कि खून की कमी को भी ठीक करता है। अगली आती है दही। दही का सेवन भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक में इम्यूनो मॉड्यूलेटरी गुण पाए जाते हैं, जो आंत के इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लाल मिर्च, शिमला मिर्च, गाजर, चुकंदर भी कारगर होता है। अगली आती है ग्रीन टी। ग्रीन टी में सामान्य एंटीऑक्सीडेंट्स के अतिरिक्त एक EGCG नामक एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाया जाता है, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। ग्रीन टी में L-थीनानीन भी पाया जाता है, जो कि रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है। अगला आता है पपीता। पपीते में भी विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। पपीते में पपेन नामक तत्व भी पाया जाता है, जो कि शरीर में इन्फ्लामेशन से होने वाले रोगों से बचाता है। तो दोस्तों ये थे इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ। अब इम्यूनिटी बूस्टर योगासनों पर चलते हैं। तो दोस्तों पहला जो योगासन है वो है भस्त्रिका, दूसरा है कपालभाति, तीसरा है अनुलोम विलोम, चौथा है ब्राह्मणी, पांचवा है उद्गीत। दोस्तों इन आसनों को आप हमारे योग गुरु बाबा रामदेव जी की वीडियोज से आसानी से सीख सकते हैं। अब देखते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स, कुछ ज़रूरी बातों के बारे में। तो दोस्तों पहला है कि समय समय पर अपने बच्चों का टीकाकरण करवाएं। इससे शैशवावस्था से ही शिशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लग जाती है। दूसरा है नियमित रूप से व्यायाम व कसरत करें। तीसरा है संतुलित आहार का सेवन करें। चौथे नंबर पर तनाव मुक्त रहें और पांचवें पर धूम्रपान ना करें तथा छठवें नंबर पर शराब से दूर रहें। तो दोस्तों अगर आप बताए गए इन उपायों को फॉलो करते हैं तो भारतवासियों का इम्यून सिस्टम मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।